रायपुर लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी सुनील सोनी ने नया पारा स्थित शासकीय स्कूल में आकर मतदान किया। सुनील सोनी पूरे परिवार के साथ मतदान करने पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने मतदान के बाद देश में नरेंद्र मोदी की सरकार फिर से बनने की बात कही। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार से लिप्त, इसलिए देश की आम जनता भाजपा को ही जिताकर नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। साथ ही भाजपा के प्रत्याशी सुनील सोनी ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद दुबे द्वारा भाजपा पर लगाए गए आरोप को सिरे से खारिज किया और कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी थी, उसी तरह से अब कांग्रेस प्रत्याशी भी आम जनता के सामने सार्वजनिक माफी मांगेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, देश टीवी। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश टीवी, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।